नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ताकि आप लोगों को पता होगा कि हम हमेशा इस चैनल पे आप लोगों के सपोर्ट के लिए वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो वायरल भी हुई और सरकार तक भी पहुँची है। सरकार अब थोड़ा थोड़ा ध्यान हम लोगों को देने लगे, लेकिन दोस्तों इस पर हम लोगों को आका ना जाए, क्योंकि दोस्तों सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि बाढ़ मोहरा यानी कि दोस्तों झारखंड का जो मामला सामने निकल कर आ रहा था दोस्तों, उन्होंने दोस्तों फाइनली अनिश्चित काल पर धरने पर बैठ गए हैं और उनके दोस्तों 5 सूत्रीय मांग है, और वो मांग क्या क्या होने वाली है दोस्तों इस वीडियो में आप लोग भी पढ़ सकते हैं, और मैं आप लोगों को भी पढ़कर बताऊंगा कि नमस्कार नेशनल के जो पेपर कटिंग है उसके जरिए आप लोगों को बताऊंगा। ये 2 अगस्त का जो दोस्तों न्यूज पेपर है उसके माध्यम से हम आप लोगों को बताऊंगा कि बकाया कमीशन अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना में कमीशन बढ़ाने सहित 5 मांगों को पूरा करने पर कर रहे हैं मांग। अब दोस्तों इस मांग को कैसे लोग पूरा करेंगे, यहाँ देखिएगा कि जिले भर में राशन डीलर 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के आगे अनिश्चित धरने पर बैठे गए हैं। डीलरों में पॉस मशीन को बंद करने का कार्य बहिष्कार कर दिया है। डीलरों का कहना है कि मार्च माह के बकाया कमीशन देने अन्नपूर्णा पैकेज फूड योजना में कमीशन बढ़ाने सहित 5 मांगों को लेकर बीते कुछ माह से संघ रत, लेकिन सरकार हमारी मांगों की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कोई भी आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो अपने शब्दों में, सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। अब दोस्तों मैं अपने शब्दों में बताऊंगा कि जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है ये 5 मांग सूत्रीय है। इसमें से दोस्तों अभी जो हाल ही में अन्नपूर्णा पैकेज योजना निकल रहा है, इसमें बढ़ोतरी यानी कि कमीशन करने की, बढ़ोतरी करने की मांग है। और दोस्तों ये जो 1 जनवरी से और 31 जनवरी 2024 तक जो फ्री योजना वाला राशन है, इसमें जो लोग का चालान जमा है उनसे कमीशन लोग मांग कर रहे हैं। सरकार उस पर भी अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है, और लोगों का कहना भी है कि सरकार हम लोगों पर फोकस नहीं कर रही है। ऐसे में दोस्तों इन लोगों का कहना है कि हम जब तक धरने से नहीं हटेंगे तब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेगी, तब तक मैं धरने से नहीं हटूंगा। आगे दोस्तों हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इन मांगों को लेकर मंगलवार को अनिश्चित हड़ताल की जा रही। राशन डीलर समिति संयोजक मितेश यत मुताबिक जिले भर में राशन डीलर मंगलवार को कलेक्टर महावीर पार्क के पीछे पास मशीन लेकर पहुंचे। राशन डीलर समन्वय सीमित बागमोड़ के बैनर तले अनिश्चित धरना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में पहुंचे राशन डीलरों ने धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। और दोस्तों इनका जो है धरना प्रदर्शन करना जायज है, क्योंकि सरकार अब इन पर फोकस नहीं कर रही है। सरकार को बताना है कि हमारी भी ताकत है, आने वाले इलेक्शन में हम लोग भी आप लोगों को वोट दे सकते, दोबारा सरकार में ला सकते हैं, लेकिन सरकार को ध्यान में आना चाहिए कि इनकी मांगों को पूरा करें। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह धरना प्रदर्शन देने से सरकार हमारी मांगों को पूरा कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह से कोटेदारों के लिए न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।